राजकीय नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास समारोह संपन्न। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल किया शिलान्यास। धौलपुर की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप धौलपुर में बनने वाले राजकीय नर्सिंग कॉलेज भवन का मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर से मान्यता एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता के उपरांत 2021-22 से राजकीय नर्सिंग कॉलेज धौलपुर का अस्थायी रूप से संचालन किया जा रहा है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज धौलपुर के भवन निर्माण व छात्र छात्राओं के छात्रावासों हेतु ग्राम नरपुरा तहसील धौलपुर में 8 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित की गई है। इस निर्माण हेतु RSRDC को कार्यकारी एजेंसी के रूप में चयन किया गया है, जिसके अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गादत्त शास्त्री, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं समाज से भी उपस्थित रहे। जय सिंह गुर्जर एवं VVM ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि रहेगी जिले के लिए। इसके अलावा हमारा जो चिकित्सालय है वो बिल्कुल रेडी है। मेडिकल कॉलेज जो नवंबर तक यहाँ माना गया था कि नवंबर तक हमको रेडी करना है, तैयार करना है, चालू करने की स्थिति में, बट हमारी टीम वो बड़े PhD हो, चाहे बिजली हो, मेडिकल हो, हमारी एजेंसी RSRDC हो, सबकी एक संयुक्त प्रयास से वो हमने कार्य ये सितंबर में ही पूर्ण कर लिया था। राज्य सरकार ने जो हमको पूछा था कि नवंबर तक कर लेंगे, तो हमने मुख्यमंत्री महोदय जी अशोक गहलोत जी द्वारा धौलपुर जिले को राजकीय नर्सिंग कॉलेज धौलपुर जिले में खोलने पर तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। धौलपुर जिले के छात्रों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र अभूतपूर्व कार्य किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज धौलपुर की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, डॉक्टर या नर्सिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आसपास के बच्चे भी इसका लाभ उठाएंगे। मेले में अपना सहयोग देने पर मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूं। खुशबू सिंह। शरद महोत्सव 2022 का हुआ समापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। शरद महोत्सव 2022 का रात्रि को सभापति खुशबू सिंह ने समापन किया। इस मौके पर सभापति खुशबू सिंह ने जिला प्रशासन, जिला पुलिस, नगर परिषद के कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों एवं शहरवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस मेले में अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि जो हमारा 20 दिन का आयोजन था वो सभी के प्रयासों में सफल रहा। इसको सफल बनाने में सभी ने अपना पूरा योगदान दिया है और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि अगली साल भी हम सब मिलकर मेला आयोजित करवाएंगे। इससे पूर्व सभापति खुशबू सिंह एवं पार्षदों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात पार्षदों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, मीडिया कर्मियों, शारीरिक शिक्षक, दुकानदारों सहित अन्य लोगों का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस मौके पर पार्षदगण, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, नगर नियोजक सहायक मोहित शर्मा, भारत परमार, नसीम खान, दीपक कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इनके नेतृत्व में धौलपुर अपनी जो भी बचे हुए कार्य हैं, विकास के कार्य हों, सामाजिक कार्य हों, जनचेतना के कार्य हों, उनको जरूर प्राप्त करें। ऐसी अपेक्षा, सहयोग सभी का है। एक व्यक्ति बोर्ड नहीं चलाता, सभी व्यक्तियों के सहयोग से बोर्ड का संचालन होता है। पक्ष और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद संदेश यात्रा का हुआ शानदार स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत द्वारा आयोजित विवेकानंद संदेश यात्रा के आगमन पर आज रन फॉर विवेकानंद दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका पुरानी नगर परिषद घंटाघर रोड से राम अख्तियार पूर्व शिक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ दौड़ प्रारंभ की। जगह जगह युवा साथियों का फूलों के साथ स्वागत किया गया। दौड़ के समापन पर संदेश यात्रा के सहयोगी राज नायर ने बताया कि विवेकानंद जी ने कहा
था कि मैं भविष्य को नहीं देखता ना ही जानने की चिंता करता हूँ, किंतु एक दृश्य में अपने मन चक्षुओं से स्पष्ट देख रहा हूँ कि यह प्राचीन मातृभूमि एक बार पुनः जाग गई है। उसकी पुनः प्रतिष्ठा की घोषणा समस्त विश्व में करो, विवेकानंद जी का संदेश युवाओं के मध्य राज नायर द्वारा रखा गया। इसी संदर्भ में प्रणब मुखर्जी, राजीव झा, मुकेश बंसल आदि पदाधिकारियों ने विवेकानंद के विचार रखे। समापन पर यात्रा प्रभावी जयंत मोदी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। मंच का संचालन यात्रा संयोजक राम शर्मा द्वारा किया गया। यात्रा में सहयोगी संगठन बजरंग दल और भारत विकास परिषद के पदाधिकारी विजय राणा, आदित्य गोयल, हेमेंद्र मंगल, मोहन सोनी, विष्णु स्वामी, सौरभ जैन, सचिन जैन का विशेष सहयोग रहा। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन शिला स्मारक के निर्माण के पश्चात क्या एक मूर्ति जिसके दर्शन करके सब चले जाएंगे उससे शिला स्मारक का निर्माण और उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा? नहीं। तब एकनाथ जी रानाडे ने सोचा कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए, देश को सुधारने के लिए और यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऐसे जीवन वृत्तियों को निकाला जाए जो जीवन वृत्ति भी हो और समाज से भी, समाज के अंदर के लोग भी हो। तो उन्होंने विवेकानंद आई और विवेकानंद केंद्र की स्थापना के पश्चात उन्होंने कुछ जीवन वृत्तियों को जोड़ा और उन्हें पहले अरुणाचल प्रदेश में भेजा जहां पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण और सबसे ज्यादा गरीबी और अव्यवस्था फैली हुई थी। उन व्यक्तियों ने वहां जाकर के जो किया वो ये था कि एक विद्यालय से शुरू करके 85 विद्यालय अरुणाचल प्रदेश, आसाम और इस क्षेत्र में स्थापित किए विवेकानंद केंद्र। कि बाबू विवेक वीकेवी विद्यालय का, पटवारी वीकेवी विद्यालय का, कलेक्टर वीकेवी, भारत माता की, भारत माता की, बंदर बंदर बंदर, भारत माता की, भारत माता की। बलात्कार करने का आरोपी कंचनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। 15 दिन पूर्व थाना कंचनपुर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 7 नवंबर को अपने खेत पर जब काम कर रही थी तब माता दीन एवं रामकेश गुर्जर आए और उसे पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने प्रार्थिया के साथ कट्टे की नोक पर जबरदस्ती बारी बारी दुष्कर्म किया। उसके बाद कई बार डरा धमका कर एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करते रहे। प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सक्रिय हुए कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस पार्टी ने घटना के समय से फरार मुलजिमों की तलाश को अनेक तरह से उसकी जानकारी जुटाई तथा गत दिवस मुखबिर की सूचना पर बलात्कार के आरोपी मातादीन गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सिंह, थानाधिकारी हेमराज शर्मा एवं संजय कुमार, राजेश कुमार एवं चंद्रशेखर कांस्टेबल शामिल रहे। विद्यालयों के पास आवारा किस्म के मजनुओं के घूमने पर सरमथरा पुलिस करेगी कार्यवाही। सरमथरा की प्रमुख खबर। सूचना मिली कि बालिका विद्यालय और कोचिंग संस्थानों के पास सुबह के समय कुछ आवारा किस्म के लड़के बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरमथरा थाना पुलिस ने आज से ऐसे मजनुओं के खिलाफ अभियान चलाया है। इनको स्कूलों के आसपास से बिना किसी कारण घूमने फिरने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथरा के आसपास एक अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबरी पर घूमते हुए रामदास मीणा निवासी उम्र 22 साल को संदिग्ध स्थिति में बेवजह स्कूल के पास घूमते हुए धारा 151 में गिरफ्तार किया तथा मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। अब ऐसे लोगों पर सतत रूप से निगरानी जारी रखकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। संगीतमय भव्य सी रामकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। नगर पालिका पूर्व चेयरमैन राघवेंद्र सिंह बेबी जादौन द्वारा श्री रामकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री श्री 108 वनखंडी हनुमान मंदिर ग्राम समोला के पास भैंसेना रोड पर आयोजित होने वाली कथा में कथा व्यास डॉक्टर ठाकुरदास शर्मा दिनकर द्वारा बहुत ही रोचक एवं भावपूर्ण श्री राम कथा का वर्णन किया जा रहा है। 14 नवंबर से प्रारंभ हुई कथा का 23 नवंबर को समापन होगा। प्रतिदिन कथा में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा के दौरान भरत एवं राम जी मिलन का मार्मिक एवं भ्राता प्रेम को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे श्रोताओं की अश्रुधारा बहने लगी।
कमजोर व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सौगंध खाता है। मैं इस समय असहाय हूं, दीन हूं, अकिंचन हूं, मैं सौगंध खा सकती हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मैं तो जनानी हूं, स्त्री हूं, इसके अलावा और मैं क्या कर सकती। पूरे जिले के पटवारियों ने अपने मुख्यालयों पर किया धरना प्रदर्शन। बड़ी की प्रमुख खबर, राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर धौलपुर जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर वहां के पटवारियों ने धरना एवं प्रदर्शन किया। उसी क्रम में आज बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष पूर्व में दिए गए 7 सूत्री ज्ञापन पर हुई राज्य सरकार से वार्ता एवं समझौते के तहत पटवारियों की मांग है कि 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को प्रदेश सरकार के साथ हुए समझौतों को लागू किया जाए। पटवार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मीणा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज 24 घंटे का धरना एवं अनशन उपखंड मुख्यालय पर आयोजित किया गया। धरना एवं अनशन प्रदर्शन में नरेश मीणा ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी, मानवेंद्र परमार जिला महामंत्री, महावीर सिंह जिला संगठन मंत्री, हृदेश पाठक महामंत्री बाड़ी, राम नरेश गुर्जर संयुक्त मंत्री, विश्वेंद्र गुर्जर संगठन मंत्री, जितेंद्र मौर्य कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, देवेंद्र, गिरिराज, सतीश, लखनबाई, रेखा, माया, सुनीता, गौरव, हरिओम एवं अन्य पटवारी उपस्थित रहे। आचार्य योगेश तिवारी की भागवत कथा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज हनुमान मंदिर चुरामन की बगिया कैसपाड़ा धौलपुर में भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री महाराज ने कहा, साधना हमें गोविंद तक ले जाने में मदद करती है। यही गोविंद गिरधारी माधव तक पहुँचने का मार्ग है। न गंगा जैसी माँ, न माधव के समान कोई देवता। अक्षय वट की महिमा और महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि अक्षय वट साधारण नहीं है, आप लोगों को इसके महत्व को समझना चाहिए। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो हमारे देश पर हमला किया था, तब इसका नाम प्रयागराज ही रहा। ये अक्षय वट की देन है। आचार्य योगेश तिवारी महाराज ने कहा, साधना हमें गोविंद तक ले जाने में मदद करती है। यही गोविंद गिरधारी माधव तक पहुँचने का मार्ग है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। राजाखेड़ा पटवार संघ द्वारा दिया गया धरना, समझौते को लागू कराने की मांग, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आज राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर राजाखेड़ा पटवार संघ के अध्यक्ष विद्याराम की अगुवाई में राजाखेड़ा तहसील की समस्त पटवारियों द्वारा धरना प्रदर्शन उपखंड अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा पर किया गया। पटवार संघ की राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में 3 जुलाई 2021 एवं 4 अक्टूबर 2021 के समझौते के बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई है। संगठन अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा संगठन की मांग एवं समझौतों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर पटवार संघ को मजबूरन आंदोलन की राह पर अग्रसर होना पड़ रहा है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। नहीं किसी से भीख मांगते हमारा समझौता लागू करो। जो वेतन भत्ते दे न सके। थाना सर्वथरा में दोपहर 12 से 1:30 बजे तक नियमित हो रही है जनसुनवाई। सर्वथरा से खास खबर, राजस्थान पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन एवं जिला पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार थाना सर्वथरा पर थाना अधिकारी द्वारा प्रतिदिन 12 बजे से 1:30 बजे तक जनसुनवाई की जाती है, जिसमें परिवादियों से संबंधित शिकायतों का रजिस्ट्रेशन व निस्तारण कराया जाता है। पीड़ित व परिवादी को थाना अधिकारी से मिलने की सुगमता तथा पीड़ित को शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों को दोपहर में अपने कार्यालयों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी दिशा निर्देशों के अनुपालन में उक्त जनसुनवाई थाना स्तर पर संपूर्ण धौलपुर जिले में जारी है। पास
वर्षों से बंद विद्युत पावर प्लांट को चालू करवाने एवं सोलर पावर प्लांट स्थापित करवाने की मांग का विधायक को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। क्षेत्रीय विधायक शोभा रानी कुशवा को स्थानीय निवासी संवेदक श्रमिक कर्मचारी एवं अधिकारी गणों ने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन देकर कहा है कि वर्षों से बंद पड़े गैस पावर प्लांट धौलपुर को तकनीकी सुधार करके चालू करवाया जाए एवं उसके अंदर उपलब्ध भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगवाए जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े और लोगों को रोजगार के लिए जिले से बाहर पलायन नहीं करना पड़े। मार्शल आर्ट शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। प्रधान सती सोगरवाल। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में टाइगर क्लब के 17 खिलाड़ियों का चयन। भरतपुर की प्रमुख खबर। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय त्योंगा में भरतपुर जिले की 66वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सतीश सोगरवाल प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति सेवर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। प्रतियोगिता संयोजक प्रधानाध्यापक मान सिंह एवं कुफू चैंपियन पवन पाराशर ने जिला स्तरीय स्काई मार्शल आर्ट एवं जूडो प्रतियोगिता में किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब के 17 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक एवं 2 खिलाड़ियों को रजत पदक प्रदान किया। टाइगर क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा सिरोही एवं झालावाड़ में आयोजित 10 से 14 जनवरी तक होने वाली 66वीं राज्य स्तरीय स्काई मार्शल आर्ट एवं जूडो प्रतियोगिता के लिए टाइगर क्लब के 17 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष प्रतिभा शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशलेश शर्मा एवं संस्थापक सदस्य व कुंग फू चैंपियन पवन पाराशर ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजवीर सिंह, महिला शारीरिक शिक्षक साधना शर्मा, प्रतियोगिता निर्णायक शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। भरतपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य स्तरीय, अभी जिला स्तरीय हुई है, जिला स्तरीय 14 साल की बच्चों की प्रतियोगिता हुई है, उसमें हमारे बच्चों ने जूडो और स्काई मार्शल आर्ट में प्रदर्शन किया, प्रतियोगिता में भाग लिया और बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे, उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ, एक ही करके आना।